हेलो स्टूडेंट, आज इस वाईफाई कनेक्ट पॉइंट पर हम लोग ट्वेल्थ बोर्ड मैराथन तैयारी के नेक्स्ट एपिसोड जो कि डी ब्लॉक का चल रहा है, आज इस नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग डी ब्लॉक के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। और वह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पढ़ा जाएगा आज की क्लास में वह प्रथम संक्रमण श्रेणी पर होगा। प्रथम संक्रमण श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी बोलो या 3D श्रेणी, क्या 3D श्रेणी या प्रथम संक्रमण श्रेणी पढ़ा जाएगा। मतलब आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वह 3D पर होगा। किस पर होगा? 3D श्रेणी पर होगा। और 3D श्रेणी को ही हम लोग या क्या नाम देते हैं, ओवर प्रथम संक्रमण श्रेणी। क्या नाम देते हैं? प्रथम संक्रमण श्रेणी भी कहा जाता है, इसे प्रथम संक्रमण श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की जो क्लास हमारी होगी वह प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी पर होगी। तो आप खुद देख पा रहे होंगे कि यहां पर लिखा है डी ब्लॉक तत्वों की विशेषता, मतलब आपके एग्जाम में आएगा 3D श्रेणी की विशेषता क्या होती है, या प्रथम संक्रमण तत्वों की, प्रथम संक्रमण श्रेणी की विशेषता क्या होती है, या आपको उसमें बोला जाएगा कि दो विशेषताएं लिखिए, जो भी नाम दिया जाएगा। तो हम पहले, सबसे पहले कुछ विशेषताओं को पढ़ेंगे, फिर आपको हम बताएंगे कैसे क्वेश्चन पुट होता है आपके बोर्ड में। तो हम पहले कुछ विशेषताओं को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा इन विशेषताओं में, डी ब्लॉक तत्वों की विशेषताओं में, दैट इज 3D श्रेणी की विशेषता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जो 3D श्रेणी की विशेषता होती है, तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी तत्व का जो मुख्य व्यवहार होता है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही पूरा ब्लॉक चलता है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में हम 3D श्रेणी को कैसे व्यक्त करते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो 3D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसका एक सामान्य सूत्र होता है, क्योंकि सूत्र भी पूछा जाता है। वो सामान्य सूत्र क्या होता है, पहले हम सूत्र देखेंगे। तो सामान्य सूत्र होता है n-1 डी 1 to 10, और आपका क्या होगा NAS 1 to 2। ये ध्यान दें, आप खुद समझ पा रहे हैं कि यहां पर सामान्य सूत्र क्या है कि जितना आपका यस होगा, बाहरी कोश अगर 4S होगा, इसका मतलब जो NAS लिखा गया है, आप इसको सामान्य भाषा में लिख सकते हैं कि जो ये N है वो क्या है, 4 है, यहाँ पे 4S होगा। और इस यस में हमें पता है कि या तो एक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या तो दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन होगा या तो दो इलेक्ट्रॉन होगा। और इसका अंदर n-1 मतलब ये इसका 3D होगा, और इस 3D में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 1 होंगे या तो क्या होंगे, 10 होंगे। बस ये एकदम सिंपल तरीका, लेकिन सामान्य सूत्र आप याद रखें कि n-1 d 1 to 10, मतलब n-1 d में एक इलेक्ट्रॉन से होकर कितना इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। और जो NAS होगा उस NAS में या एक इलेक्ट्रॉन हो गया तो दो इलेक्ट्रॉन। तो सामान्य रूप से हम कह सकते हैं 3D 1 से 10 तक, और 4S में एक या दो इलेक्ट्रॉन होंगे। ये एक सामान्य सूत्र है। अब दूसरा प्रश्न ये बनता है कि हमें मालूम है कि जो हमारा इस जो 3D श्रेणी का पहला तत्व है, या डी ब्लॉक का जो पहला तत्व कहो या 3D श्रेणी का पहला तत्व कहो, कौन होता है, स्कैडियम होता है। कौन होता है, स्कैडियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21 होता है। और हमें ये पता है कि पूरी आवर्त सारणी में, पूरी आवर्त सारणी में जो 18 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिक्स माना जाता है, अर्थात उसको स्थायी माना जाता है। और उसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सहारा लेकर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सरलता से छोटे वर्डों में कैसे व्यक्त करेंगे। जैसे मान लीजिएगा 20 के अंदर कौन सा आता है, जैसे हमने नाम सुना होगा, एक होता है हीलियम होता है, एक होता है आर्गन, एक होता है नियान, एक हमारा क्या होता है नियान होता है, और एक क्या होता है आर्गन। तो हमें पता है आर्गन 18 होता है। तो बता इस 20 के करीब कौन है नोबल गैस वाला, आर्गन। अगर हम कहीं पर आर्गन का इंडिकेशन कर देंगे तो ये 18 इलेक्ट्रॉन को कवर करता है। और अगर आर्गन का हम कॉन्फिगरेशन करेंगे, हमें पता है कि आर्गन का जो कॉन्फिगरेशन होता है, अगर हम नियान का कॉन्फिगरेशन देखेंगे तो 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p6 होता है। और सिंपली भाषा में अगर मैं कहूँ, अगर मैं एक आवर्त नीचे आऊँ, मतलब नियान से आर्गन आऊँ, तो यही हमारा 2 से क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, और p में क्या हो जाता है, 3p6 हो जाते हैं। तो हमें पता है 3p6 तक हमारा कॉन्फिगरेशन ऑलरेडी, इसके पहले आप अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं 1s2
2s2 और 2p6 ऑलरेडी भरे हुए हैं, ये भरे हुए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। हम इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अगर मैं कहीं पर आर्गन लिखूं तो आर्गन अकेले इतने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कवर करेगा कि नहीं, और जो कि स्थायी होता है। अब इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम आर्गन का कमाल करेंगे, मतलब आर्गन को व्यर्थ कर देंगे, जिससे कि इतना कॉन्फिगरेशन हमारा फिक्स हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं 3p के बाद क्या आता है 4s, और 4s के बाद क्या आता है 3d आता है। तो बताओ इसी को हम नियान को फिक्स करने जा रहे हैं, तो नियान का कॉन्फिगरेशन आप देख पा रहे हैं। अब इस इतने बड़े कॉन्फिगरेशन को हम किसमें लिखेंगे, केवल आर्गन में व्यक्त करेंगे। किसमें व्यक्त करेंगे, आर्गन में। तो देखते हैं, अब देखते हैं कि अगर स्कैडियम कितना है 21 है, तो मैंने सबके लिए आर्गन फिक्स कर दिया, सबके लिए मैंने आर्गन फिक्स कर दिया। आर्गन कितना होता है 18, सबके लिए आर्गन फिक्स है, मतलब सबके लिए आर्गन कॉमन कर दिया गया। तो आर्गन जब कॉमन कर दिया गया, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन कवर हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन सबके लिए कॉमन है। और हमें पता है आर्गन का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर गया था, 3p6 में गया था, और 3p6 के जस्ट बाद क्या आता है 4s आता है, फिर क्या आता है 3d आता है। तो हम चलिए देखते हैं क्या किया जाएगा। अब आप खुद देख सकते हैं स्कैडियम को हमें क्या करना है, इसके कॉन्फिगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 21 है, ये 21 है, ये 22 है, ये 23 है वनेडियम, ये 24 है, ये 25, ये 26 है, ये 27 है, ये क्या है 28, ये 29 है, और ये हमारा क्या है 30। अब हम देखते हैं यहां पर हम देखते हैं कि क्या होता है। तो ये क्या है, तो आर्गन का 3p के बाद क्या आता है 4s, तो हम यहां पर लिखने जा रहे हैं 4s2 20 और 3d1, 4s2 20 3d1। ये हमारा किसका हो गया कॉन्फिगरेशन, स्कैडियम का, किसका हो गया स्कैडियम का। अगर हम इसको चाहें इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3d1 एंड 4s2, मतलब इसको रीअरेंज कर दिया गया, ऐसा लिखा जा सकता है। बताओ नेक्स्ट वाला क्या होगा, अब इसी पैटर्न में हम इसको लिखेंगे 4s2 3d1 होगा, तो बताओ नेक्स्ट हमारा क्या होगा, आप खुद समझ सकते हैं नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा। अब इस पैटर्न में हम लिखेंगे, नॉर्मली पैटर्न लिखेंगे, ये क्या होगा बताओ, इसका अगर हम लिखना चाहें क्या लिखेंगे 3d2 4s2, इसका तो 4s2 20 होता है, खुद देखो 4s2 18 में 2 जोड़ दोगे 20 हो जाएगा, 20 से 21, तो बताओ अगला क्या होगा 2 होगा 22, अगला क्या होगा 3d क्या होगा 3d3 4s2 होगा। अब हमारा ये क्रोमियम, हमें इस क्रोमियम पर एक इफेक्ट देखना है, क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कुछ अजीब होता है, और इस पर मैं स्टार की बात करता हूं। ये क्रोमियम जो अपना कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या देता है 3d5 देता है और 4s1 देता है। 3d5 और 4s1 को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे, आखिर 3d5 4s1 हुआ क्यों। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आपका एस और डी दिख रहा है, जिसको हम NaS12 कर रहे हैं, NaS और N-1d, मतलब NaS और N-1d, ये जो N-1d हमें दिख रहे हैं, मतलब अगर देखा जाए कि आपको जो क्या है, जो आपका N-1d है और NaS है, ये एक दूसरे के बहुत घनिष्ठ मित्र होते हैं, मतलब मित्र हम ना कहें, मतलब इनकी जो एनर्जी होती है नियरली सेम होती है। दिखने में जरूर दिख रहा है कि ये 4s है और ये क्या है 3d है, जैसे दो बच्चे हैं, एक बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, लेकिन बाय द वे एक बहुत बड़े आकार साइज में है, उसकी उम्र ज्यादा है, एक उम्र क्या है कम है, लेकिन उनकी जो मित्रता है इतनी घनिष्ठ है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो ऐसा कुछ होता है, दिखने में बड़े दिख रहे हैं लेकिन इनकी ऊर्जा क्या होती है लगभग बराबर होती है। इसलिए जहां यस रहना चाहता है वहीं डी रहना चाहता है, जो काम यस करने की कोशिश करेगा वही कौन करने करेगा डी में। यही तो डी ब्लॉक की सबसे बड़ी विशेषता है, मतलब यस और डी हमेशा साथ रहना पसंद करते हैं, जहां पर भी जाएंगे साथ में जाएंगे, इतना केयर कर लीजिए। तो यही रीजन है कि हमने हुंड का नियम पढ़ा होगा, तो हुंड ने यह बताया था कि जो उपकोष अर्ध भरे होते हैं या पूर्ण भरे होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं, और उसी नियम को उन्होंने आपबाव को चैलेंज किया और आपबाव को गलत सिद्ध किया। अगर हम इसको देखें, अगर आपबाव के अकॉर्डिंग देखें तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, अगर आपबाव अकॉर्डिंग देखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d4 और 4s2, किसके अकॉर्डिंग होगा, ये आपबाव के अकॉर्डिंग होता है, किसके अकॉर्डिंग आपबाव, जिसे आप लोग आपबाव कहते हैं। आपबाव अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो ये होगा, ये कौन है आप बाउ, लेकिन ये किसके कारण है हुंड के कारण। अब हम ये देखते हैं इसमें स्थाई कौन है, हमें पता है
खुंड के कारीगर देखें तो डे में कितने बॉक्स हैं? पांच, दैट इज कच्छक पांच हैं, पांच कच्छक हैं। यस में कितने कच्छक होते हैं? एक। अगर हम आप बाव को देखें तो डे में कितने कच्छक होते हैं? पांच। कितने होते हैं? पांच। और यस में कितने होते हैं? एक। दोनों साथ में हैं। अब बताओ इसमें एक लगता, दो तीन चार, इसमें क्या है? दोनों पूर्ण है। तो हम अगर प्रश्न करें तो बताओ इसमें कौन ज्यादा स्थायी है? अगर मैं प्रश्न करूं इसमें ज्यादा स्थायी कौन है? ये अपूर्ण है, ये पूर्ण है, ये क्या आपका अस्थायी, ये क्या है? अस्थायी है। और ये क्या है? ये क्या है? अस्थायी है। ये क्या है? अस्थायी है। मतलब एक अपने को बहुत अच्छा फील महसूस कर रहा है, एक अच्छा फील महसूस नहीं कर रहा है। लेकिन हुंड वाले में अगर देखें तो डी फाइव को हम क्या लिख सकते हैं? वन टू थ्री फोर और फाइव, ये क्या होगा? हाफ हो गया। मतलब एक यस का इलेक्ट्रॉन किसमें के पास चला गया है? डी में चला गया है। मतलब एक यस इलेक्ट्रॉन जब डी में गया तो हम देख पा रहे हैं ये भी अर्धपूर्ण है, ये भी क्या है? अर्धपूर्ण है। और अर्धपूर्ण क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं। मतलब ये भी अस्थाई और ये भी क्या हो गया? अस्थाई। मैं आपसे कहना चाहता हूं केमिस्ट्री अपने अस्थायित्व को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो ये ध्यान दें, आप खुद देख पा रहे हैं कि जब डी फाइव और फोर एस वन हुआ तो बताओ, हुआ तो बताओ अस्थायित्व एक बढ़ गया कि नहीं? दोनों अस्थायी हो गए, यस भी अस्थायी हो गया, डी भी हो गया। लेकिन इसमें कितने अस्थायी थे? एक अस्थायी थे। तो बताओ इस तरह अस्थायित्व तो किसमें मिल रहा है? हुंड साहब वाले मिल रहा है। तो हुंड साहब वाले जब मिल रहा है इसका मतलब अगर हम देख पाए तो जो हुंड हैं, जो हुंड साहब हैं, इसको अगर हम देखें तो हुंड साहब के अनुसार जो क्रोमियम है अस्थाई कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेगा, जो हो जाएगा 3D5 4S 1। और हमारे आप बाबू साहब क्या हो जाएंगे? गलत सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन यही होता है। और यही नियम किस पर लागू होता है? हमारे कापर पर भी होता है। कापर पर भी एक स्टार होता है। और जो एकदम सिंपली वर्ड में सोच लो, जिस पर एक स्टार लगा हो उसको सामान्यतः भाषा में आप समझ लो, उसका एक यस इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है वो स्थायित्व को पाने के लिए। तो हम इस क्रोमियम का कौन सा इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन पढ़ेंगे? ये वाला, हुंड वाला, जो कि 3D5 और 4S 1 है, जिसमें अस्थायित्व क्या हो रहा? बढ़ रहा है। तो ये अस्थायित्व का कारण होता है। दो अस्थायित्व मिल रहे हैं हुंड में, आप बम के मतलब एक। तो बताओ केमिस्ट्री किसको ढूंढती है? अस्थायित्व को। जहां अस्थायित्व ज्यादा मिलेगा वहां ज्यादा जाएगा। अब हम लोग आते हैं मैग्नीज की तरफ। जब मैग्नीज की तरफ आए तो नॉर्मल कॉन्फिगरेशन, नॉर्मल कॉन्फिगरेशन क्या होगा? 4S 20 हो, 4S 2 20 को फॉलो करेगा। तो 4S 2 हमारा क्या होगा? 20। और डी में कितना रख देंगे? 5। तो हमारा हो जाएगा 3D5 और 4S 2। ये हमारा क्या हो गया? 4S 2 20 3D5, हमारा क्या हो गया? 25। हम आते हैं आयरन की तरफ। आयरन क्या होगा? एक बढ़ा दो डी में, क्या हो जाएंगे? 3D6 और क्या हो जाएगा? 4S 2। 3D6 और 4S 2। चलिए कोबाल्ट की तरफ आते हैं। कोबाल्ट का क्या होगा? खुद देख सकते हैं 3D7। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओ, 3D7 और 4S2। 4S2। नाउ नेक्स्ट हम लोग निकिल की तरफ आते हैं। निकिल क्या होगा? 3D8 और क्या होगा? 4S2। ये हो पा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा। हाँ, कापर की तरफ हम आएंगे फिर मामला फंस गया। अगर कापर की तरफ हम आए तो भैया आप बाव साहब को देखेंगे तो 3D9 होगा और क्या होगा? 4S2 होगा। लेकिन हमने आपको बताया कि डी ब्लॉक में जो स्टार वाले होते हैं वो हुंड साहब वाले होते हैं। और हुंड साहब वाले में ये होता है, यस इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है? डी में चला जाता है। तो आप खुद देख पा रहे हैं क्या 3D9 पूर्ण है या अपूर्ण है? 3D9 क्या पूर्ण या अर्धपूर्ण है? क्या ये अर्ध भरा हुआ डी कक्षक है या पूर्ण भरा हुआ है? नहीं ना, अपूर्ण है ना। लेकिन यह हमारा क्या है? पूर्ण है। तो एक अस्थाई, एक अस्थाई नहीं है। लेकिन हम कुछ ऐसा उपाय कर दे दोनों अस्थाई हो जाएं तो बताओ क्या कर देते? इसीलिए कापर को हम इसको एक कर देते, इसको 10 कर देते हैं, हाफ फील्ड और फुल फील्ड कर देते हैं। तो बताओ हुंड साहब को हम फॉलो करेंगे न कि आप बाऊ को। तो बताओ कौन सही होगा हमारा? हमारा कौन सही होगा? हमारा ये हो जाएगा 3D10 होगा और 4S 1 हो जाएगा। और हमारे जो आप बाबू साहब हैं इन्हें हम क्या कर देंगे? यहां से हटा देंगे। हम किसको पढ़ेंगे? हुंड साहब को पढ़ेंगे, 3D10 और 4S 1 पढ़ेंगे। और नाउ लास्ट हमारा जिंक है, आप खुद समझ सकते हैं जब 3D10 हो गया तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? यस में जाएगा। किसमें जाएगा? यस में जाएगा। और हमें पता है ये 3D10 के बाद कहां जा रहा है? 4S 2 में जा रहा है। और ये 4S 2 में जाने के कारण
हम जिंक को संक्रमण तत्व नहीं कहते। अगर जिंक को अगर कहा जाए क्या ये पूर्ण संक्रमण तत्व है, तो ये पूर्ण संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन आप देख पा रहे हैं किसमें जा रहा, यस में गया है। और यह हम इसको कहे थे कि संक्रमण तत्व वही होते हैं जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन अपूर्ण डी में जाते हैं, लेकिन ये तो पूर्ण डी है, ये तो पूर्ण डी है, तो ये जिंक हमारा क्या है, एक संक्रमण तत्व नहीं है, लेकिन जरूर 3D संक्रमण में रखा गया है, लेकिन ये संक्रमण तत्व वास्तव में नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के गुण हमने 3D में पढ़ा। लेकिन आज हम एक कमाल की चीज और पढ़ेंगे, हम एक कमाल चीज ये पढ़ेंगे कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व दैट इज संक्रमण तत्व होते हैं, उनमें परिवर्तनीय संयोजकता होती है, उनमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण संख्या होती है, उनमें परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या होती है, परिवर्ती मतलब बदलने वाली, वो हमेशा अपने को क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। तो हमारा जो लिस्ट होगा क्वेश्चन ये होगा, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा है परिवर्ती ऑक्सीकरण, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। तो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, परिवर्ती ऑक्सीकरण, परिवर्ती ऑक्सीकरण। तो परिवर्ती ऑक्सीकरण का मतलब होता है इनमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब आप खुद समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागना और क्या बनाना, धन आयन बनाना। जितने धन आयन होते हैं, जिस मतलब ऑक्सीकरण संख्या का मतलब क्या होता है, चार्ज नंबर, मतलब चार्ज नंबर को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। किसको? चार्ज नंबर। ये चार्ज नंबर हो, ये क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो मैं आपको अभी बताया कि जो आपके डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों में यस और डी बहुत ही क्या होते हैं, करीबी होते हैं, उनकी ऊर्जा बराबर होती है। जहां यस जाना चाहेगा वहीं डी जाना चाहता है। तो बताइए, अगर मैं प्रश्न करूं कि यहां पर अगर बॉन्डिंग में, यहां पे दो प्रकार की बॉन्डिंग शो होती है, अगर यस का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग गया, अगर केवल यस का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग गया तो बॉन्डिंग कौन सी होती है, सहसंयोजी, कौन सी होती है, सहसंयोजी होती है। और अगर डी वाला भी गया तो डी वाला क्या बनाता है, धात्विक बंध बनाता है, क्या बनाता है, धात्विक बंध बनाता है। और यस वाला क्या बनाता है, सहसंयोजी बंध बनाता है। और हमें पता है मेटल का एक अच्छा गुण होता है धात्विक बंध भी बनाना, जिसका मतलब आप समझ सकते हैं कि बंध बनाने के लिए आप जितने ज्यादा बंध होंगे उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, प्रबल होगा, उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी, अस्थायित्व होगी। तो डी ब्लॉक में या संक्रमण तत्वों में या 3D की हम बात कर रहे हैं, तो 3D श्रेणी में या प्रथम संक्रमण श्रेणी में तत्वों में क्या होती है, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था होती है, या परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को व्यक्त करते हैं। इसका कारण होता है कि उनके उनके यस दैट इज कौन, NS और NS1D दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में क्या होते हैं, बंध बनाने में भाग लेते हैं, बंध बनाने में भाग लेते हैं। जब यस भाग लेते हैं तो सहसंयोजी बंध बनता है, और जब डी भाग लेते हैं क्या बनता है, धात्विक बंध बनता है। लेकिन सबसे पहले किसकी कोशिश करते हैं, सहसंयोजी बंध। और जब धात्विक और सहसंयोजी बंध दोनों बन जाते हैं तो बंधों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब बंधों की संख्या बढ़ जाएगी तो हम खुद देख सकते हैं कि यहां पर हम देखेंगे कि डी में जब एस भाग लेता है, एस भाग लेता है, तो वहां पर संयोजकता क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या कम होती है। लेकिन जब दोनों डी भाग ले लेते हैं तो बढ़ जाती। बताओ इसमें बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, हमें पता है। हम डी ब्लॉक के लिए बताना चाहेंगे, डी ब्लॉक के जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह यस और डी दोनों काउंट किए जाते हैं। और यहां पर अगर हम प्रश्न करें, बताओ दोनों को बंध में भाग में हम शामिल कराएं, बताओ यस का भी बंध बनाने में भाग लेगा और डी का भी लेगा, तो बताओ कितने प्लस बनेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन खो गएगा। क्यों खोएगा, उसके पड़ोस में क्या है, नोबल गैस, नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन 18 पाने के लिए स्कैडियम कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को, बताओ उसमें क्या बनेगा। अगर कोई 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया स्कैडियम, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो क्या हो जाएगा, स्कैडियम 3+ हो जाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन उसका लॉस हो जाएगा, और ये किसके जैसा हो जाएगा, आर्गन 18 का विन्यास पा जाएगा। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि प्रथम 5 तत्व, इस श्रेणी के प्रथम 5 तत्वों तक बंध में यस और डी दोनों इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। जब यस भाग लेता है तो ऑक्सीकरण न्यूनतम होता है, और जब डी यस दोनों भाग लेते हैं तो ऑक्सीकरण अधिकतम होता है। तो आप खुद देखिए कि न्यूनतम अधिकतम, इसका न्यूनतम क्या होगा और
अधिकतम क्या होगा। तो बताओ अगर हम इसका न्यूनतम देखें, अगर यस केवल भाग लेगा तो कितना दिखाएगा, केवल यस अगर भाग लेगा तो कितना दिखाएगा, प्लस टू दिखाएगा, लेकिन जब दोनों भाग लेंगे तो क्या बनाएगा, प्लस थ्री बनाएगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्लस टू भी बनाता हो प्लस थ्री भी बनाता है, मतलब जब यस भाग लिया तो कम वाला और यस जी दोनों भाग लिया तो अधिक वाला, मतलब न्यूनतम दो अधिकतम तीन। तो सिमिलरली इसमें क्या होगा, न्यूनतम दो होगा अधिकतम कितना होगा, चार होगा। देखो दो दो चार, जब केवल यस का भाग लेगा ऑक्सीकरण में कितना बनेगा, दो बनेगा प्लस दो, और जब डी भी लेगा कितना होगा, अधिकतम कितना होगा, प्लस फाइव होगा। मतलब न्यूनतम प्लस टू अधिकतम कितना, प्लस फाइव। इसका न्यूनतम अगर देखा जाए तो प्लस वन नहीं होता, जिस स्टार्टिंग जब भी होती है अगर यस में देखा जाए तो स्टार्टिंग इसकी प्लस टू से ही होती है, लेकिन अधिकतम कितना होगा, छः, मतलब कितना होगा, प्लस सिक्स होगा। मतलब न्यूनतम प्लस टू अधिकतम प्लस सिक्स, लेकिन ये सभी आपसीकरण अस्थायी नहीं होते, कुछ अस्थायी होते कुछ अस्थायी नहीं होते। लेकिन हमें बस इतना बताना है कि यस और डी दोनों के, मतलब यस और डी, यस इलेक्ट्रॉन और डी इलेक्ट्रॉन दोनों के बांध में भाग लेने के कारण इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है या संयोजकता जो होती है वो परिवर्ती हो जाती है। कम कब होगी, जब केवल यस का भाग लेगा, अधिकतम कब होगी, जब यस डी दोनों भाग लेते हैं। तो हम देखेंगे, मैंने बताया प्रथम पांच तक इसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, क्रोमियम के प्लस सिक्स तक आए हैं, फिर इसकी क्या होगी, यस लेगा कितना बनेगा, यस लेगा प्लस टू होगा, और डी जब शामिल हो जाएगा पांच दो सात, अधिकतम कितना हुआ सात। फिर सात के बाद हम देखेंगे इसकी घटती है, आयरन की होती है प्लस टू, फिर लास्ट में क्या होती है प्लस फोर होती है, मतलब न्यूनतम प्लस टू अधिकतम प्लस फोर होती है। फिर कोबाल्ट में हम आएंगे, फिर घटती है, कोबाल्ट में आएंगे प्लस टू होती है, फिर क्या होती है प्लस थ्री होती है, फिर हम निकिल में आएंगे, निकिल प्लस टू ज़्यादा बनाता है, और जब हम कापर में आएंगे तो कापर तो कमाल का करता है काम, वो दो बनाता है, एक प्लस वन बनाता है, एक क्या बनाता है प्लस टू, जिसका आपने नाम सुना होगा। अगर कापर प्लस वन में होता है, अगर कापर पर यह चीज़ हम ऐसे लिखेंगे कि कापर प्लस वन या कापर डबल प्लस, ये प्लस वन वाला है और ये क्या डबल प्लस वाला, जिसे हम कहते हैं क्यूप्रस और क्यूप्री। क्या नाम देते हैं, कम वाले क्या नाम देते हैं क्यूप्रस, और बड़े वाले क्या देते हैं क्यूप्रिस। फिर हम लोग जिंक में आते हैं, जिंक में क्या होता है, डी पूरा भरा हुआ है, तो भरने के कारण ये तो भाग लेता नहीं, इसमें जिंक में केवल यस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड में भाग लेता है, इसलिए इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल प्लस टू तक होती है, प्लस टू तक इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि 3D सीरीज में प्रथम पांच तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी है, फिर उसके बाद घटी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आएगा कि 3D सीरीज में अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। तो वह अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या आप देख पा रहे हैं, वह अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या किसकी होती है आप देख पा रहे होंगे, वह अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या क्या है, प्लस सेवन है, और वह प्लस सेवन किसकी है, मैग्नीज की। मतलब मैग्नीज अपने आप को प्लस टू में भी रख सकता है, और प्लस टू से कहां रख सकता है, प्लस सेवन भी रख सकता है। तो मैग्नीज प्लस सेवन में पाया जाता है, प्लस टू में भी पाया जाता है, ये सबसे अधिक। तो कमाल क्वेश्चन है ना, प्रथम 3D सीरीज में या प्रथम संक्रमण सीरीज में अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कौन व्यक्त करता है, वो कौन है, मैग्नीज है, वह कौन है, मैग्नीज है। और मैं आपको बता देता हूं कि जिंक क्या करता है, जिंक जो होता है केवल सहसंयोजी बंध में भाग ले रहा है, उसका डी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग भाग नहीं ले रहा है, इसलिए जिंक जो होता है उसकी बंधन प्रवृत्ति क्या होती, बहुत कमजोर होती है, और कमजोर होने के कारण इसका गलनांक कुथनांक वगैरह सब क्या होते हैं, कम होते हैं सापेक्ष और धातुओं के। हाँ, मैंने कापर को आपको लिखा है कि कापर में दो आयन बनते हैं, क्यूप्रस जब ये प्लस वन में होता है और क्यूप्रिक जब ये प्लस टू में होता है, मतलब इसको पढ़ते हैं क्यूप्रस, क्या पढ़ते हैं क्यूप्रस, और इसको क्या पढ़ते हैं क्यूप्रिक पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं क्यूप्रिक पढ़ते हैं। तो ये ध्यान दें, क्यूप्रस और क्यूप्रिक होता है, मतलब ये हमारे क्या हुए, ऑक्सीकरण, परिवर्ती ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर परिवर्तनीय ऑक्सीकरण संख्या को भी दर्शा सकते हैं। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, परिवर्तनीय ऑक्सीकरण संख्या संक्रमण तत्व क्यों व्यक्त करते हैं, तो इसका आंसर अब यही देना है, परिवर्तनीय ऑक्सीकरण व्यक्त करने का मतलब होता है कि इसमें यस भी और डी भी,
यस भी और डी भी, मतलब होता है डी ब्लॉक का, लेकिन डी के साथ हमेशा कौन होता है, यस भी होता है। यस भी भाग लेता है बंध में और डी भी भाग लेता है। जब यस केवल भाग लेता है तो उसे कहते हैं सहसंयोजी बंध, लेकिन जब डी भाग लेता है उसे कहते हैं धात्विक बंध। मतलब सहसंयोजी और धात्विक दोनों साथ में जब हो जाते हैं तो क्या होती है, आक्सीकरण संख्या अधिकतम हो जाती है, और जब केवल यस साथ में, यस अकेला भाग लेता है तो क्या होता है, न्यूनतम होती है। बताओ दो प्रकार की आक्सीकरण संख्या होती है, न्यूनतम और अधिकतम होती है। जो सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, थ्री डिश्रे में सबसे ज्यादा पाई जाती है प्लस सेवन, और न्यूनतम कितनी पाई जाती है प्लस टू और प्लस वन। प्लस वन पाई गई है, किसकी पाई गई है, प्लस वन क्यूप्रस की पाई गई, कापर की न्यूनतम प्लस वन पाई गई है, न्यूनतम प्लस वन है, अधिकतम क्या है प्लस सेवन है। यह हुआ आपका क्वेश्चन।